खरगोन जिले के सेगांव में चोरी और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। इसी क्रम में शनिवार की शाम को चौकी प्रभारी ने व्यापारियों की बैठक ली, जिसमें अपनी अपनी दुकानों और चौराहों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने पर चर्चा की। सेगांव बस स्टैंड पर रात्रि में चौकी प्रभारी भोजराज परमार ने व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई, जिसमें नगर के सभी व्यापारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक में चौकी प्रभारी ने व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानों के सामने लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। साथ ही जन सहयोग से नगर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगाने और चौकीदार की व्यवस्था करने की बात कही, ताकि नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं व्यापारी ने नगर की सुरक्षा को लेकर पुलिस को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में नगर व्यापारी मोहन पाटीदार, नारायण गुप्ता, किशोर बाबूजी, दिलीप गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। ऑर्डर के कालियों में चल जाते हैं, उस बार फिर ये पूरा का पूरा एक वैक्यूम टाइप का बन जाता है, कोई रहते ही नहीं। तो उसके लिए अगर एक प्राइवेट आदमी और रख ले, एक तो वहाँ पर जो SBI बैंक है जो आपके कॉम्प्लेक्स के पास है, ये गुप्ता जी के दुकान के पास, उस आदमी को बोल दिया है कि 11 से 5 रहेगा, नहीं तो उसको एक दो दिन में हटा कर दूसरा नया नियुक्त कर देंगे 4200 रुपये महीने में। जिसको भी करना हो रात को 11 बजे से 5 बजे तक जिसको रहना, 6 घंटे आकर आपसे बैठा रहे, वहीं पर मोबाइल चलाए, कोई दिक्कत नहीं, आके करते उसको चेंज कराएंगे तो एक तो वहाँ भी सुरक्षा रहेगा, तो फोन तो लगा देगा, कुछ नहीं करेगा तो, और एक अगर इधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, बाकी कॉलोनी वहाँ से जरूर निकलेगा। आप अपने जो कैमरे हैं उसको थोड़ा रोड तरफ उसका मूवमेंट करो, कम से कम दिख जाए, आधा रोड दिखता तो दिख जाए कि जाते आते दिख जाए। ऐसा बड़ा रोड है, पाटीदार जी कौन है, सराफा वाले उठा वाले, ये उनका संजू भाई के साइड में है घर आपके, लेकिन वहीं पर है शटर पर, थोड़ा रोड पर सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।